वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं फिर से आ गई एक छोटे से ब्लॉग के साथ। एंड गाइज, आज है फ्राइडे, सो ये ब्लॉग मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। और आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है, और आज शानवी की छुट्टी भी, यहाँ पे वेटरन्स डे है, सो शी हैव अ हॉलीडे। इसलिए मैं बच्चों को लेके अभी पार्क आई हूँ, क्योंकि आज वेदर भी काफ़ी अच्छा था एंड इट्स सो सपोर्टिंग। एंड विंटर में एक दो दिन ऐसे मिल जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है। एंड विंड चल रही है, इट्स सो रिफ्रेशिंग, बहुत मज़ा आ रहा है। सो स्टे ट्यून टू माई ब्लॉग, आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि आज कौन सा स्पेशल डे है। सो हम लोग एक छोटा सा सेलिब्रेशन करने वाले हैं। एंड अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक करें एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। एंड देखते हैं बच्चे कहाँ खेल रहे हो। पार्क से सबसे पहले तो हम लोग घर गए एंड वी डिड आवर लंच, एंड देन उसके बाद हम लोग आ गए हैं ग्रॉसरी करने के लिए। और अच्छा हुआ हम लोग उस टाइम पार्क चले गए थे, क्योंकि अभी ये थोड़ा थोड़ा ड्रिजलिंग हो गया है। वेदर तो काफ़ी ज़्यादा आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और उसके साथ थोड़ा थोड़ा ड्रिजल भी हो रहा है, सो इट मेक्स सो परफेक्ट। और हमारे साथ शाम भी आई है और समर भी आया है। ही स्लीपिंग, तो मैंने उसको पूरा कार सीट के साथ ही ले लिया है। सो चलिए अंदर चलते हैं। दीज डेज शानवी ऑल्सो लाइक शॉपिंग विद मी, तो जब भी मैं जाती हूँ एंड शी टेल्स मी कि मुझे भी आना है एंड आई टेक हर। तो अभी देखिए वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो रही है, जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना बच्चे इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, अच्छा लगता है। और यहाँ पर वो अपनी कुछ चीज़ें पिक कर लेती है एंड शी लाइक्स इट। सो क्विकली अभी हम लोग बेकरी के सेक्शन में आ गए हैं, जो भी हमें सामान लेना था फटाफट से हमने पिक कर लिया है, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है और समर अभी सो रहा है। तो हमने सोचा कि सारे काम फिनिश कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें जाना है शानवी की क्लास। सो यहाँ का काम हो गया है और अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से। गुड इवनिंग गाइज, और अभी हम लोग रेडी हो गए हैं एंड वी आर गोइंग टू शानवीज क्लास। पहले तो शानवी का क्लास कराएंगे एंड देन शाम को, यानी थोड़ी देर के बाद, शाम तो ऑलरेडी होने वाली है, थोड़ी देर के बाद हम लोग अपना सेलिब्रेशन करेंगे। और कैमरा थोड़ा सा मूविंग है गाइज, सो प्लीज़ एडजस्ट, क्योंकि हम लोग अभी कार में हैं और मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं ना, तो उसकी वजह से बार बार फोन बहुत ज़्यादा मिल रहा है। लुक एट समर, कितना क्यूट सा स्माइल दे रहा है, इतना ज़्यादा नॉटी हो गया ना आजकल, हमेशा अपनी टंग निकाल के बैठा रहता है। लुक एट यू, सो नाउ डेज ही डेवलप वन न्यू हैबिट, हमेशा टंग निकाल के रहता है। सो आप लोग गाइस बताइएगा कि क्या छोटे बच्चे ऐसा करते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन हो रहा है कि ये क्या नया सीख रहा है। सो दिस हमेशा शैतानी करता रहता है। एंड गाइस मैं दिखाती हूँ अभी वेदर कितना ज़्यादा सडनली चेंज हो गया है। अच्छी खासी धूप थी लेकिन अभी देखिए पूरा क्लाउडी हो गया है और थोड़े थोड़े फ्रीज भी गिरने वाले हैं एज दिसंबर आ गया है, तो वेदर चेंज होना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है यहाँ के लिए। बॉस्टन का वेदर हमेशा ही ऐसा रहता है। सो अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं क्लास में एंड देन उसके बाद मैं आप लोग से कनेक्ट होती हूँ क्लास के बाद। सो शानवी की क्लास में मैं पहुंच गई हूँ और उसे मैंने ड्रॉप भी कर दिया है। यहाँ पे कुछ प्लान्स थे सो मैंने सोचा उन्हें कैप्चर कर लेती हूँ, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। एंड मुझे बॉन्ज़ाई ट्री बहुत पसंद है, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आप लोगों को भी बॉन्ज़ाई ट्री अच्छे लगते हैं। और जब भी इसका क्लास हो जाएगा ना हम बाहर जाएंगे, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। अभी स्नो भी स्टार्ट हो गया एंड वेदर तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेंज होता रहता है। सो गाइज़ अभी मैं आई हूँ पार्टी सिटी और मुझे यहाँ पे कुछ डेकोरेशन का सामान लेना था। बहुत बड़ा स्टोर है गाइज़, आप लोग देख सकते हैं पीछे काफ़ी दूर तक फैला हुआ है, बहुत सारे डेकोरेशन के डिफरेंट डिफरेंट स्टफ मिल जाते हैं। बट मुझे चाहिए था 1.5 ईयर का, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है, सो मुझे नहीं मिला है। एंड जो भी चीज़ें मैंने ली हैं मैं उससे कुछ जुगाड़ करने वाली हूँ, अपना देसी जुगाड़, तो देखते हैं कितना ज़्यादा कर पाती हूँ मैं एंड आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून टू माई ब्लॉग एंड चलते हैं अभी बिलिंग करा के एंड देन घर पर मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग अपना सारा काम फिनिश करके जब घर पहुंचे ना तो इस तरह का कुछ वेदर था, आप लोग देख सकते हैं फ्लरीज हो रहे हैं, बट वो फ्लरीज होते होते इतने ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गए हैं कि यहाँ पे स्नो हो गया है। तो शानवी थोड़ा सा खेलने लगी, बच्चों को स्नो बहुत पसंद होता है तो जब भी उन्हें मौका मिलता है वो खेल लेते हैं। एंड मूविंग ऑन टू डेकोरेशन पार्ट, मैंने आते ही अपना ये सारा अपना
पिटारा खोल के मैं बैठ गई, जो भी मेरे पास पहले से था एंड जो मैं पार्टी सिटी से लेके आई हूँ, एंड देन वो सब कुछ मिला के कुछ इस तरह का डेकोरेशन हो पाया है। हमें अप्रोक्स 1 आवर लग गया और इस तरह का डेकोरेशन हो गया, मुझे तो अच्छा लगा। सो गाइज, हमारा डेकोरेशन फाइनली हो गया है। मैंने छोटा सा बूथ बना लिया है और ये किसी तरह से जुगाड़ से हमारा एक जो आर्च है वो भी रेडी हो गया है। आप लोग बताइएगा कमेंट्स में कि ये बेसिक सा डेकोरेशन कैसा लग रहा है। और आज समर को थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, वो बहुत देर से स्नीज कर रहा है, सो आई डोंट नो वेदर इतना ज्यादा चेंज हो रहा है ना, ड्रॉप हो रहा है, सो इस तरह से हो ही जाता है बच्चों को। सो चलिए हम लोग फटाफट से केक भी रेडी कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारा केक भी आ चुका है, ये देखिए गाइस कैसा लग रहा है। सो चलिए इसको फटाफट से हम लोग यहाँ पे डेकोरेट कर लेते हैं। तो ये है हमारा केक, आज हमने रस मलाई फ्लेवर ट्राई किया, ये इंडियन है, इसकी तो खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। और अभी हम लोग इसमें फटाफट से कैंडल लगवा लेते हैं। और मैंने लिखवाया है, ओह नो इट्स ओके, यहाँ पे मैंने लिखवाया है हैप्पी 18 मंथ समर। सो आज समर 18 मंथ्स का हो गया है, कितनी जल्दी बच्चे बड़े हो जाते हैं। जब मैंने यहाँ समर को खड़ा किया फोटोज वगैरह लेने के लिए, तो वो बहुत ज्यादा नॉटी मूड में था, बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा था और जो भी चीजें बस इधर उधर फेंक रहा था। बहुत ही ट्राई किया तब जाके कुछ पिक्चर्स आए हैं। और उसको हर चीज़ टच करनी है, अभी मैंने कैंडल ब्लो कर रही हूँ ना, तो उसको वो भी टच करना है, हर चीज़ उसको बस ऐसे ही मस्ती करता रहता है। बट फाइनली हमने उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया, हमें तो बहुत मज़ा आया। आई होप जब वो बड़ा हो जाएगा ना और इस तरह के वीडियोस देखेगा तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। वैसे तो हमने उसका एवरी मंथ बर्थडे सेलिब्रेट किया है ना, तो उसको एक केक कट करने की आदत हो गई, जब भी वो कोई केक देखता है ना बस उसे कट करना होता है। बस इसी तरह से हम लोग छोटे छोटे ओकेजन्स को सेलिब्रेट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना। सो गाइज, ऐसा रहा मेरा छोटा सा सेलिब्रेशन, हमने बहुत इन्जॉय किया एंड मैंने बहुत सारे क्यूट क्यूट से पिक्चर्स लिए हैं समर के आफ्टर सो मेनी एफर्ट्स। सो मैं एंड में अटैच कर दूंगी, आप लोग बहुत सारा प्यार देना समर को भी एंड मेरे ब्लॉग को भी। एंड गाइज, आज समर 18 मंथ्स का हो गया, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है बस कल ही की बात है जब वो पैदा हुआ था और मेरे हाथों में आया था, बहुत ही छोटा सा था, एकदम टाइनी सा बेबी था। मैं वो वाली फोटो भी अटैच कर दूंगी, उसको भी आप लोग बहुत सारा प्यार देना। एंड हाँ गाइज, रस मलाई केक ना बहुत यमी था, मैंने खा भी लिया है। आप लोगों ने अगर अभी तक ट्राई नहीं किया है सर, डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई, रस मलाई केक बहुत अच्छा लगता है। सो चलिए गाइस, आज के व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली गिव इट अ लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो फिर मिलेंगे किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।